गावनीचा आहे धा कमुनीकर गाव आहे कोणीचा गाव आहे उंच आहे भाइयों की फरमाइश है भाई ये लड़का चंद्र को धर्म मालकी को सूटी छोड़ के और जितना बढ़िया बढ़िया सामान था सारा अपना काबू में करके वहां से चला जाता है। सुबह धर्म मालकी की आंखें खुली न जहाज दिखाई दिया न पति दिखाई मन में विचार करती है कि उल्टी चलेगी या भी तो हिंद बनेगी। ये हमारे बुजुर्ग लोग जानते पहले नई नवेली आ करती वो गेरू जरूर ले आ करती। एक बैग से चादर को निकाला और उस पानी में वो गेरू डाल कर और रंग लेती उस चादर को भकमा बाना करके अल्पी सीम के और टापू में साधु का रूप धारण करके बैठ जाती। परमात्मा के ऐसे कहने हुए कि दिल्ली के सौदागर आम उस टापू में रुकिया करते और जब उन्होंने देखा कि बात तो नहीं किस्म का साधु बैठा है देखा जात का दंडोत प्रणाम किया लेकिन उसके रूप का बखान करते हैं वो सेठ लोग। भाइयों की फरमाइश है ऐसे क्या Thank you.
वो धर्म माल की साधु का रूप धारण किए हुए टापू में उधर से सेठों के जहाज आ गए और वो सेठ जी कहने लगे कि बाबा जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं, चलो हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आप आ जाइए, आप आइए। उधर से वो धर्म माल की सेठों के साथ दिल्ली पहुंच जाती और उससे पहले चंद्रगुप्त का आप पहुंच रहा, जो चीज मंगाई थी उनकी भाभियों ने लाल जूड़ा और सबसे मोती, जब वो घटना आया तो उनको लगी कि देवर ये चीज कितने ले आया, बोला तुमने मंगाई थी मैं ले आया, कि ना ईसा कुसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ रोल है, कौन सी क्या कहने लगी क्या चैनल जो हमारे बीच में आज की रिकॉर्डिंग चली हुई है, भाई नरेश शर्मा मनहा से सौ रुपये मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरे नंबर पर क्या कहा क्या देखा तू पहुंच गया, चाट गया, तो
का सा मगर मिला के बात करे मन यो दुख मोटा सा साधु समझ कर ये कहते हैं, हे साधु जी हम दिल्ली के सेठ लोग हैं और यहां टापू में आपका रहना ठीक नहीं, क्योंकि इब का दिन है, समय रात्रि का भी आवेगा और देखो टापू चोर आइए थोड़ा ठीक, आप दिल्ली चलना चाहते हो हमारे साथ जात में बैठे। सेठ लोग प्रार्थना करते हैं क्या, देते बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद।
अपना लगा रहे खत्म हो गया। Oh,